तुमने पहले कभी नौकरी नहीं की होगी ना? हाँ, नहीं की कभी पहले। इससे पहले जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के भी नहीं देखा। बहुत सारी चीजें पहली बार करनी पड़ रही, लेकिन कोई बात नहीं, नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए भी तो करना ही पड़ेगा। मैं भी नहीं समझा था जब तुम्हारे बाप ने मुझे और मुझ जैसे ना जाने कितने लोगों को लाकर सड़क पे खड़ा कर दिया था। सर, मैं यहाँ जॉब के इंटरव्यू के लिए आया हूँ, आप प्लीज मुझसे मेरे मुताबिक ही बात करें। तुम्हारे मुताबिक? तुम एक अय्याश, सर फिरे और रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। ये कैसी तेरी खुदगर्ज़ी? तुम भी कितनी बेवकूफ हो। अभी तक उसकी तस्वीर लिए बैठी हो। रत्ती भर मोहब्बत नहीं है उसे तुम्हारे से। उठाकर फेंक दो ये सही तस्वीरें बाहर, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे इस घर में उसकी कोई तस्वीर नहीं नजर आनी चाहिए। सुन रही हो तुम? महवेश, महवेश, क्या हुआ है यार? आज से पहले तो कभी उसकी ऐसी तबीयत खराब नहीं हुई, फिर ये अचानक कुछ समझ में नहीं आया हमें। फिलहाल उनकी कंडीशन खतरे से बाहर है। क्या मतलब फिलहाल? मेरा मतलब ये है कि अभी हमने उन्हें मेडिकेशन पे रखा हुआ है, अभी कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। लेकिन लेकिन आप मेरे साथ आइए, मैं आपको समझाता हूँ। हाँ चलो।
हमें कुछ डाउट्स थे जिनकी वजह से हमने इनके मजीद कुछ टेस्ट करवाए थे जिनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। इनके मुताबिक इनकी दो मेन आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं और एक डैमेज है। ऐसे हालात में इनका सर्जरी करना बहुत बड़ा रिस्क है। दारा जी बात, एक डॉक्टर रफी को कॉल मिला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी बाबा साहब बात करेंगे। हाँ अस्सलाम वालेकुम रफीक। हाँ नहीं आओगे तो तुम्हें सर एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं वो तुम्हारे ट्रेवल का बंदोबस्त मैं कर देता हूँ, बस मुझे आज ही चाहिए हो तुम पाकिस्तान। ठीक ओके ओके, ये शब से कहो कि डॉक्टर रफीक की टिकट भेजें जितनी जल्दी हो, वो चाहिए मुझे यहाँ। जी बाय द वे सर्वाइवल के क्या चांसेस होते हैं ऐसे केसेस में? 5% चांसेस हैं सर्वाइवल के। काफी इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में नहीं है। अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मैं मिल सकता हूँ? कुछ देर में। डरा दिया तुमने मुझे। मैं खुद को बहुत बहादुर समझता था। लेकिन डरा दिया तुमने। मैं खुद को समझता था कि मैं बहुत पत्थर दे लूं, लेकिन हिला के रख दिया तुमने। तुम्हारे बगैर तो जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं। ना मुकम्मल हूं तुम्हारे बगैर। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। कल तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी तो फिर हम घर वापस चले जाएंगे।
फिर तो वैसे ही चीखना चिल्लाना जैसा तुम करती हो। शमशेर आ जाएगा, दादा कर रहा है फोन उसे, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। जैसे ही उसकी बात होगी अनशोर वो भागा चला आएगा तुम्हारे पास। अच्छा बाबा, मैं दादे से कहता हूं जल्द अज जल्द पता लगाए उसे। मैं सब तुम आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। बाबा साहब, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, क्या आप शमशेर को माफ नहीं कर सकते? वो तो जानता भी नहीं है कि मम्मी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, हॉस्पिटलाइज्ड है वो। मेरे ख्याल से हमें उसे बता देना चाहिए। दिमाग ठीक है तुम्हारा, खुश में तो हो, आ कर चुका हूं उसे। शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं उसकी, फिर भी तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं उसको यहां बुला लूं। दिमाग ठीक है तुम्हें? लेकिन बाबा साहब, बस जिसने उसके साथ कोई ताल्लुक रखने की कोशिश की, मेरा और उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा।
की बात कह रही है तुम्हें? कल इंटरव्यू है मेरा। अच्छा अब कल मेरा भी एक इंटरव्यू है, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, फिर पिक कर लूंगा वापसी। नहीं मैंने बस बताना था, मैं चली जाऊंगी। नाम का ही सही लेकिन शौहर होने के नाते कुछ जिम्मेदारी है मेरी, तुम्हारी जरूरियात पूरा करना भी मेरी जिम्मेदारी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें पिक एंड ड्रॉप देने में, अगर तुम मेरे साथ जाना पसंद करो तो। ठीक है, खाना लगाऊं? नहीं भूख नहीं, थैंक यू। भूख लगे तो बता देना, नाम की ही सही, बीवी होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां। क्या हुआ? भूख लगी है, कुछ खाने को है? जो मैंने पहले पूछा था तब मना क्यों किया था? तब इतनी भूख नहीं लगी थी, मुझे लगा सुबह तक बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अब भूख लग रही है। तुमने दोपहर में कुछ खाया था? अच्छा तुम बैठो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। ग्रेजुएशन उसमें था बिल्कुल, लेकिन हमें इस जॉब के लिए एक मुस्तकिल मिजाज आदमी की ज़रूरत है, और आपके सीवी में कहीं पे भी ये चीज़ प्रूव नहीं हो रही। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, मैं बहुत दिल लगाकर काम करूंगा सर, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है सर, काफ़ी अरसे से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। ये कैसी तेरी खुदगर्ज़ी। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे? ये क्या है? ये चपाती है और वो सब्जी है, क्यों कुछ अनोखा है? नहीं तुमने पहले कभी सब्जी नहीं खाई ना? नहीं। लेकिन ये मजे की है, बहुत मजे की। भूख में तो पत्थर भी अच्छे लगते हैं। हाँ ठीक कह रही हो। इस बात का अंदाजा मुझे हो गया। चाय इतनी बुरी बनी है?
नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। ऑब्वियसली यार, पहले कभी सब्जी खाई नहीं है तो टेस्ट डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगे। डरता भी है मुझसे। तुम्हें खाने में और क्या क्या पसंद है? मम्मा के हाथ की बनी हर चीज अच्छी लगती थी, लज़ानिया, पास्ता, चाइनीज, सब बहुत मजे का बनाती थी। मुझे सब बहुत मुश्किल लगता है ना। मुश्किल तो तुम्हारे लिए भी है। मेरी जिंदगी तो तुमसे मिलने के बाद तकलीफ में ही गुजरी है। ये तकलीफ बहुत कम है उससे। कल निदा का निकाह है एहसन से। एहसन से? लेकिन वो तो, हाँ वो मुझसे शादी करना चाहता था मगर ऐसा नहीं हुआ। अब अपनी गलती सुधारना चाहता है। काश कि इंसान को गलती करने से पहले इस बात का अंदाजा हो जाए। कि गलतियों की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो वो कभी गलती ही ना करे। तुम चलोगे मेरे साथ? तुम चाहती हो कि मैं साथ चलूं? अभी कुछ देर पहले ही तुमने कहा कि नाम का रिश्ता है। तो निभाने चलो। चारे, आपको तो कोई लिफ्ट कराती नहीं आपी। तुम्हारे होते ना, इस लाइफ में तो लिफ्ट मिलने का चांस भी नहीं है। अम्मी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। इसमें गलत क्या है आप? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही। वैसे भी ऐसे भाई आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं आप यार। हाँ, जो उसने मेरे साथ किया उसकी मजबूरी थी। सच पूछो तो ना उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट था ना मुझे उसमें। हम दोनों तो बस अपने वालदेन की खुशी में खुश थे। कोई कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ ऐसे ना आप ही को दिल से पसंद करते थे, शायद अब भी करती हूँ। मुझे अपनी जगह खुद बनानी होगी।
हाँ रफीक, क्या कहते हो? देखो दिलावर, भाभी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं, इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो मुस्तकिल ऑब्जर्वेशन में हैं। अगर अगले 24 घंटे में चीजें स्टेबल हो जाती हैं, तभी हम कोई डिसीजन लेने का सोच सकते हैं। देखिए, हमारे बस में जो कुछ भी है हम कर रहे हैं। आप लोग दुआ करें, दुआओं में बहुत ताकत होती है। अगर बाहर ले जाने की जरूरत है तो अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं। देखो बेटा, जो फैसिलिटीज हमें बाहर मिलनी है वो यहाँ अवेलेबल है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह सब सही करेगा, सो डोंट वरी। एक्सक्यूज मी। बाबा साहब, एक बात करनी थी आपसे। बोलो। मम्मी जब भी होश में आती हैं शमशेर का पूछती रहती हैं। दो तीन बार फरवा से भी बात हो चुकी है इस पर। अगर आपकी इजाजत हो तो उसे बता दो। पागल हो गए तुम, आखरा में तुम्हारा। कितनी बार समझाया तुम्हें कि कोई ताल्लुक नहीं है हमारा उसके साथ, क्यों नहीं बैठती ये बात तुम्हारे भेजे में? जितनी बार पूछे कह दो बस कि फोन नहीं उठा रहा, बंद आ रहा है उसका फोन। That's it. तुम जब फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं आकर पिक कर लूंगा। तुम्हारे पास फोन कहाँ से आया? शामिर ने कल दिया था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, लेकिन प्लीज टाइम पे आना। याद है ना आज निदा का निकाह है? हाँ मुझे याद है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। शमशेर, गुड लक। थैंक यू। यार आपने तो अपनी मास्टर्स तक नहीं कंप्लीट की। ये सर, लेकिन एड में तो सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए कहा गया था। हाँ ग्रेजुएशन इसमें था बिल्कुल, लेकिन हमें इस जॉब के लिए एक मुस्तकिल मिजाज आदमी की ज़रूरत है, और आपके सीवी में कहीं पे भी ये चीज़ प्रूव नहीं हो रही। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, मैं बहुत दिल लगा कर काम करूँगा सर, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है सर, काफी अरसे से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। लुक मिस्टर, आपकी जो एजुकेशन है, जो करंट एजुकेशन स्टेटस है, उसके हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि आपका पोर्टफोलियो मैच होता है इस जॉब के लिए। आई एम सॉरी सर। प्लीज सर, सर सर आप इंटर बेसिस के ऊपर जो जॉब्स देते हैं मुझे वही दे दीजिए। सैलरी भले बहुत कम कर लें, लेकिन सर बस काम पे रख लें सर, सर बहुत जरूरत है सर। बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो आपसे ज्यादा काबिल और आपसे ज्यादा हाईली क्वालिफाइड, और जितनी मेहनत आप मुझे कन्वेंस करने में कर रहे हैं, अगर जितनी ही मेहनत आपने अपनी एजुकेशन पे कर ली होती तो आज आपको इस तरह किसी की मिन्नत समाजत करने की जरूरत नहीं। सर मैं तो
I'm sorry I can't do anything for you. You may leave now. बात सुनिएगा, यहाँ पेट्रोल पंप का है? अरे थोड़ा सा ही आगे है। यहाँ आगे? जी आगे। जी मैं आपकी फाइल देख रहा हूं। अपने एकेडमिक दौर में आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रह चुके हैं, फिर क्या वजह है कि आप अब तक अपना मास्टर्स कंप्लीट नहीं कर सके? एनी रीजन? सर वो कुछ पर्सनल वजूहत थी। हमारी टीम में अली होता है, टॉप परफॉर्मर है वो। मेरा ख्याल है आपके किसी कजन से दोस्ती है उसकी, उसने आपके बारे में काफी कहा है। आप चाहें तो स्टार्ट में सेल्स डिपार्टमेंट में आपको चांस मिल सकता है। सर इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल अगर आप मुझे चांस देंगे तो। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कल से ज्वाइन कर लें। स्टार्ट में आपकी सैलरी 45,000 होगी, बाद में आपकी परफॉर्मेंस देखते हुए इंसेंटिव तय किए जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगी आपको डिसअपॉइंट ना करूं। गुड, आइए मैं आपको अपने स्टाफ से इंट्रोड्यूस करूं। आइए। घबराए हुए लग रहे हो। जी सच कहूं तो बहुत घबराया हूं। वजह? कोई एक वजह हो तो आपको बताऊं। आप बस ये समझ लीजिए कि नौकरी काफी अरसे से ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रही है। सिर्फ नौकरी? अच्छा तुम्हारी घबराहट की एक वजह खत्म किए देते हैं, तुम्हें नौकरी मिल गई। आप सच कह रहे हैं? मैं इस उम्र में तुमसे मजाक करता हूँ अच्छा लगूंगा? नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, इतनी जल्दी? देखो मतालिब की झंझटों में मत पड़ो, बस जो है वो यही है। जी वैसे तो सेल्समैन की जगह खाली थी, लेकिन तुम मुझे पढ़े लिखे लगते हो तो काउंटर वाली जॉब में तुम्हें दे रहा हूँ। 22,000 तनख्वाह और एक वक्त का खाना, बोलो मंजूर है? जी मुझे मंजूर है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं काउंटर पे बोल देता हूँ, तुम नीचे जाके मिल लेना, ठीक है? जी अशरफ, ये शमशेर नाम के एक साहब आएंगे। ठीक है, उनसे बात करें।
कर दी लापरवाही की। एक घंटे से इंतजार कर रही हूँ और साहबजादे आए नहीं अभी तक। सॉरी यार, मुझे रास्ते का अंदाजा नहीं था। जब तुमने मुझे कॉल की थी ना, तब मैं यहाँ से बहुत दूर था। वैसे तो मुझे तुम पे बहुत गुस्सा है, लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है और मैं इस खुशी के दिन को नाराजगी की नजर नहीं करूंगी। खुशी का दिन तो मेरे लिए भी है, लेकिन चलो पहले तुम बताओ। मेरी जॉब लग गई है, पूरे 40,000 सैलरी है और काफी इंसेंटिव्स भी हैं। कल से जॉइनिंग देनी है। नाइस। तुम्हारा भी तो इंटरव्यू था ना आज, कैसा हुआ? हाँ, मेरी भी जॉब लग गई है। 50,000 सैलरी मिली, इंसेंटिव्स भी हैं और ऑफिस भी बहुत शानदार है। वाह, कांग्रेचुलेशंस। यू टू। अच्छा, इसी खुशी में आज बाहर लंच करते हैं। नहीं यार, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। कल तुमने इतनी मजे की सब्जी बनाई थी, आज भी कुछ वैसी बना देना, मैं खा लूंगा। वैसे भी शाम में निकल मैं तो जा रही हूँ। चल ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।